आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज हम यहाँ पे भैंसों का प्रोटोकॉल लगाने जा रहे हैं और ये प्रोटोकॉल जो है ये बड़ा ही एक्सपेंसिव है, इसकी कदरों कीमत बहुत ज्यादा। मैं बताता हूँ कैसे। इससे पहले मैं ये देख लूँ ये जानवर जो है जिसको टीका लगाया जा रहा है ये कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं, क्योंकि बीच में झोटे फिरते हैं, काम खराब ना कर दें। ठीक है जी, ये प्रोटोकॉल इसको लगाया जा सकता है बेटे, टीका लगाओ। 5 cc एक कंसेप्टाल लगा रहे हैं आज। इसके अंदर बच्चेदानी का साइज बिल्कुल ठीक है, ओवरीज का साइज बिल्कुल ठीक है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन भी नहीं है। तो ये जनाब अली टीका लगा दिया। ठीक है बेटा, मेरा बड़ी सुई के साथ लगाना है, सुई डालो लिखा। ये देखें ये सुई जो है ना, मैं इससे टीका लगाना रिकमेंड नहीं करता। ये छोटी सुई है, हार्मोन को हमेशा बड़ी सुई के साथ लगाएं। डॉक्टर आईवी नीडल लेकर आए, बड़ी सुई के साथ टीका लगाएंगे। मैं अपनी टीम का भी आपसे तारुफ करवा दूं। ये सुफियान है जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, और ये डॉक्टर उस्मान साहब है, ये गोबर निकाल निकाल के हमें दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, ये और जो डॉक्टर साहब वीडियो बना रहे हैं, उसामा साहब छींक रहे हैं पास, एक चम्मच सेलेक्ट करनी है। अभी हम आपको ये बताएंगे कि प्रोटोकॉल जो है इसकी कदरों कीमत ज्यादा क्यों है। डॉक्टर मेरा पाप यही जी सर। अच्छा जी, खराब है, मज अंदरों खराब है भाई जान। ठीक है जी, इसको लिखे हैं बेटे, इसके स्टेटस में लिखे खराब है। इसके 927 इन्फेक्शन, 927 इन्फेक्शन, हाँ लिखो। ये अंदर से खराब है, इसको प्रोटोकॉल नहीं लगाएंगे, इसको साफ सूफ किया जाएगा, फिर प्रोटोकॉल लगाएंगे। आज जब ये हम वीडियो बना रहे हैं, 17 अगस्त है, ठीक है जी, सितंबर के अंदर, सितंबर की 10 से 15 तारीख के अंदर इन गायों को, भैंसों को टीके रखोगे, उसका मतलब ये हुआ कि जो सितंबर में जिनको टीके रखोगे, जो गबले हो जाएंगी वो बच्चा कब देगी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जो आज इन प्रोटोकॉल के नतीजे में सितंबर में गबन होगी, ये जाके जून के महीने में बच्चा देगी। और हम कोशिश कर रहे हैं 50 भैंसे जो हैं हमने प्रोटोकॉल में लगानी है, और हम बहुत अच्छे रह गए तो 50% तक हमें गबने मिलनी है। मैं 50% से ज़्यादा तवक्को नहीं रखता, क्योंकि गर्मी बड़ी ज़्यादा है, और 50 में से अगर 25 भी ठहर जाती हैं, और 25 में से अगर 2-3 बच्चा फेंक दें, 20-22 भी अगर तोड़ पहुंच जाएं, तो वो लोग जो गवाल का काम करते हैं उनको पता है कि अगर 22-23 भैंसे जून के महीने में बच्चा दें, उसका मतलब ये है कि तकरीबन 250 से 350 लीटर दूध जो है आपके टोटल मिल्क में शामिल होगा। मिल्क डिमांड बहुत ज़्यादा होती है उस वक्त, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त प्रोटोकॉल लगाना ये बहुत महंगा है, क्योंकि कंसेप्शन रेट के हवाले से देखा जाए, और जिन्होंने जब बच्चे देने हैं वो टाइम बड़ा कीमती है। तो आप लोग भी अगर खाली पैसे मौजूद हैं तो प्रोटोकॉल लगाएं। प्रोटोकॉल की जो डेटे हैं मैं भी आपसे शेयर करता हूं। आज 17 तारीख है, नहीं नहीं इसकी बस बैक रखेंगे। आज जो डेट है भैया इसका माशाल्लाह दूध ठीक है, कितने लग रही है सर? 3.5-4.5 आज अच्छा भैया, आज जो हम टीका लगा रहे हैं कंसेप्टाल का टीका लगा रहे हैं, आज तारीख है जी 17, फिर 7 दिन के बाद 24 तारीख को हम दोबारा टीका लगाएंगे, ईस्ट्रोमेट लगा लेंगे या साइक्लोमेट लगा लेंगे, फिर 2 दिन के बाद 26 तारीख को हम दोबारा कंसेप्टाल लगाएंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद फिर 7 दिन का वेट करेंगे, 2 सितंबर को हम दोबारा कंसेप्टाल लगाएंगे, फिर 7 दिन का वेट करेंगे, 9 तारीख को साइक्लोमेट, फिर 10 तारीख को साइक्लोमेट, 11 तारीख को हम वेट करेंगे, 12 तारीख को दोबारा कंसेप्टाल लगा के शाम को डबल एआई करेंगे,
मतलब कि मिसाल के तौर पर सुबह भी इंसेमिनेशन कर देंगे और शाम को भी इंसेमिनेशन कर देंगे, डबल करेंगे और फ्रेश सीमन से करेंगे। बेटे आप पूछ फड़ो जी, बेटे नहीं लगे, आई भी नहीं लगी, वो जो ड्रिप सेट नहीं लगा वो ना लगी, वो ला रहे हो नहीं लगी। बेटे लगाओ, ठीक है सर, ओके ओके है, लगाओ, शाबाश शाबाश। इधर के पहुंच तो छोड़ दे उनको, बेटे पुत्र ऐ पूछ पढ़ के पते आए अगर मिसाल के तौर पे इन जानवरों को प्रोटोकॉल ना लगाया जाए तो ये मर्जी से हीट में आएंगी, कोई आ जाएगी, कोई परसों आएगी, कोई 10 दिन बाद आएगी, हम ज्यादा जानवरों को कवर नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे ना आप? बेटा लगाओ, ओके लगा दो, लगा दो। तो ये प्रोटोकॉल हम लगाने जा रहे हैं, इसको कहते हैं डबल ऑफ सिंग। याद रखिएगा कि भैंसों को 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम तालाब में छोड़ा जाता है और जो खुराक दी जा रही है उसमें साइलेज शामिल है, गाचा शामिल है, मिनरल शामिल है, वंडा शामिल है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे खुराक का हिस्सा है। अरे आगे जी, ये सावली ये प्रेग्नेंट है जी, जो प्रेग्नेंट है वो हम छोड़ी जा रहे हैं, जो नॉन प्रेग्नेंट है इंशाल्लाह उनका प्रोटोकॉल जो है आज लगा दिया जाएगा। इंशाल्लाह इस प्रोटोकॉल का टोटल दुरानिया आपसे शेयर करेंगे, जब इंसेमिनेशन करेंगे तब दोबारा इंसेमिनेशन करते भी वीडियो बनाएंगे और जब इनका हमल चेक करेंगे तब हमल चेक करते भी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपको वीडियो बना के जरूर देंगे ताकि आपको पता हो कि जल्द हमारे कैसे आए। एक चीज मैं हैरानकुन शेयर करता हूँ, आज अगस्त का महीना आता गुजर गया, माशाल्लाह भैंसों के अंदर ओवरीज का और बच्चे देने का साइज बिल्कुल ठीक है, ये चीज शो करती है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जिस हर्ड में हम आज जानवर चेक कर रहे हैं कितने जानवर टोटल 150 भैंसे हैं जी यहाँ पे मिल्किंग में, डॉक्टर साहब ने आ जाए 40 भैंसे ऐसी हैं जो एक महीने में बच्चा देने वाली हैं। अब देखें ना, जब आप प्रोटोकॉल लगाते हैं तो ये एडवांटेज होता है इकट्ठे जानवर आते हैं बच्चा देने के लिए। टोटल भैंसे छोटे बड़े मिला के जो भैंसों का एडल्ट हर्ड है वो 250 है, छोटे बच्चे कितने हैं? 40 चोटियां और छोटे कटे 150 के करीब छोटे जानवर है, तो ये आप कहने को 450 के करीब जो है यहाँ पे भैंस पाई जाती है छोटे बड़े पीस मिला के, तो बड़ी तादाद है फैसलाबाद में, मेरा नहीं जानता कोई ऐसा फार्म ऐसा जहाँ पे इतनी तादाद जो है पाई जाती हो। डॉक्टर वालो अच्छा, इसको ना विटामिन A3 भी लगाना है, इसका नोट कर लो बेटे, 10 विटामिन A3 भी लगाना है, ठीक है? डॉक्टर मेरा ख्याल है काफी है आज के लिए, इतना ही है, अपना काम जो है वो जारी रखते हैं, बेसिक डिटेल्स हमने आपको दे दी हैं, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। सलाम अलैकुम।